कौशल। हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आपके सामने है मिस्टर जतिन परांजपे, जो इंडिया के लिए खेले हैं, मुंबई के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन में से है। और वेलकम जतिन सर। वेलकम वेलकम, थैंक्स कौशल, थैंक्स फॉर हैविंग मी। ओके, सो आज सब लोग इंटरेस्टेड है क्योंकि आप सिलेक्टर हो इंडियन टीम के, तो आज सब लोग एक्साइटेड रहेंगे। क्या स्पेशल रहता है सिलेक्शन का? तो एक क्वेश्चन मेरा ये था कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहता है, क्योंकि किसी को पता नहीं रहता कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहता है, तो आप थोड़ा बताएंगे उसके बारे में। आई थिंक कौस्तुभ, बेसिकली द बेस लेवल इज ऑब्वियसली परफॉर्मेंस, यू नो, एंड आई थिंक परफॉर्मेंस के बिना तो यू कैन नॉट जज अ प्लेयर ऑनेस्टली। बट आफ्टर दैट देर आर मेनी मेनी अदर पीसेज विच आर टू बी कंसिडर्ड। एक्चुअली द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज वॉट इज योर यू नो वॉट इज योर स्क्वाड लुकिंग लाइक अक्रॉस द थ्री फॉर्मैट्स। राइट, What does your squad need immediately on a say a 0 to 30 day timeline, a 30 to 60 day timeline, and you know a more of a longer term timeline. So obviously, if you're looking for a wrist spinner, then you know your antenna is always up trying to consider which wrist spinner you need to include. So I think it depends on what the configuration आपके squad का जो balance है उसके ऊपर बहुत dependent है, and plus red ball है या white ball है। प्लस देर इज ऑल्सो सम सक्सेशन प्लानिंग कि अगर कोई प्लेयर बड़ा प्लेयर आपका इज 35-36 ईयर्स ओल्ड एंड इफ द कैलेंडर इन फ्रंट ऑफ यू इज लुकिंग वेरी वेरी पैक्ड, देन यू हैव टू बी प्लानिंग, यू नो, योर प्लान प्लान बी एंड प्लान सी हैव टू बी रेडी बिकॉज टुडे देर इज सच अ लॉट ऑफ क्रिकेट दैट देर इज अ एलिमेंट ऑफ वर्कलोड मैनेजमेंट ऑल्सो इन दिस, you know. So when you're actually thinking about players, you're working with a number of people, including the support staff, including your strength and conditioning coaches, including your physios, just to find out as to how many more miles does somebody have in their legs before they will break down, you know. So it is a very complex piece. जितना बाहर से दिखता है कि जो दिन भर दिन 100-150 गालियां खाने से एक्चुअल अच्छा वो एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर मोदी को किसने पूछा था कि आप इतने फिट कैसे रहते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं रोज एक 500-700 गालियां खाता हूँ, यू नो। वैसे सिलेक्टर का भी जॉब वैसे है, तो मेरा वेट भी काफी इन कंट्रोल है बिकॉज गालियां खा खा के यू नो वेट भी कंट्रोल में रह गया। तो ये जॉब जितना दिखता है बाहर से उतना इजी नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक्चुअली बिकॉज सब प्लेयर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि मुझे नहीं लिया, मुझे नहीं लिया, पर आपको देखना चाहिए कि कोच कोच का रिक्वायरमेंट भी अलग रहता है, कैप्टन का भी रिक्वायरमेंट अलग रहता है, और सिलेक्टर ने भी कुछ सोचा रहता है। जैसे कि आप इंडियन सिलेक्टर हो, तो मैं भी आप अगले वर्ल्ड कप के लिए देखते रहोगे कौन से प्लेयर्स खेल सकते हैं, कौन से कॉम्बिनेशन करेक्ट में खेल सकते हो, तो वो कोई सोचता नहीं, नॉर्मल पब्लिक तो कोई सोचती नहीं है। तो आप आज जो भी ये देख रहे हैं और जो भी आगे वीडियोस देखेंगे, तो उनके लिए यही है कि सिलेक्टर जॉब इतना इजी नहीं रहता है, और उनके पीछे कुछ रीजन रहता है, आगे फ्यूचर भी उनको देखना रहता है विद सीनियर प्लेयर्स। तो आप डायरेक्टली आप उनको कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट जॉब है, इतना इजी नहीं है। करेक्ट। तो मैं तो बोलता हूँ ये विकेट कीपिंग जैसा जॉब है, यू नो कौस्तुभ, की एकदम थैंकलेस जॉब है। विकेट कीपिंग, अंपायरिंग, ये बहुत थैंकलेस जॉब्स हैं। आप अगर विकेट कीपर हो तो आपने अगर आप कैच छोड़ते हो तो पब्लिक पूछता है कि यार इतने बड़े ग्लव्स तो है हाथ में कैसे छोड़ दिया, यू नो। और अगर पकड़ते हो तो बोलते हैं इसमें बड़ी बात क्या, इतने बड़े ग्लव्स है पकड़ना ही चाहिए उसको, यू नो। तो थैंकलेस जॉब है, थैंकलेस जॉब है। तो आपका मुंबई तक जर्नी आप बताएंगे जरा, आपने कौन से एज में स्टार्ट किया था? क्योंकि सबको पता कि वासु सर, कि मैं उनके अंडर एक थोड़े टाइम के लिए था, जब मैं हाँ संजीव क्रिकेट अकेडमी में जाता था, सतीश सामंत सर के अंडर था, तभी वासु सर भी आते थे, तो उनके जैसा मैं फनी कैरेक्टर अभी तक देखा ना इन कोच, कि जो चिल्लाने के स्टाइल कभी उनका हंसने को ही आता है, जो भी चिल्लाते हैं उसका हंसने को आता है।
तो उनके बारे में और आपका तो जर्नी कौन से स्टार्ट किया टिल रणजी ट्रॉफी, आप बताएंगे जरा। तो मैं घर पे माहौल था क्रिकेट का ऑब्वियसली, और मैं स्कूल में था डॉन बॉस्को में। डॉन बॉस्को का नाम वैसे था नहीं, क्रिकेट के लिए नाम था नहीं एक्चुअली, लास्ट 10-12 साल से जब से श्रेयस खेलने लगा है तब से फिर से नाम हुआ है डॉन बॉस्को का। लेकिन पहले तो बास्केटबॉल, हॉकी और फुटबॉल, ये तीन गेम्स बहुत बड़े थे। लेकिन हमारे एक पास स्टूडेंट थे रवि शास्त्री, जिन्होंने गाइल शील्ड जीती थी, तो वो स्कूल के वो वुडन बोर्ड पे उनका नाम था। तो यार वो एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था मेरे लिए कि मेरे टाइम में भी ऐसा कुछ रहना चाहिए इधर। तो मैं जस्ट क्रिकेट का माहौल था घर पे, और मैं मेरे फादर के साथ 5 या 6 मे बी 7 के एज से मैं उनके साथ मैचेस देखने जाता था। कि आप बोलो क्रॉस मैदान पे या दादर यूनियन पे या कौन से भी ग्राउंड पे, मैं एवरी टाइम मैं जाता था मैच देखने। और 1-2 साल के बाद मैंने फिर स्कोरिंग भी चालू की। मैं दादर यूनियन के लिए स्कोरिंग करता था, अच्छा रेगुलर स्कोरिंग, ऐसे रात को बैठ के पेंसिल शार्प करो, रेड पेन चालू है कि नहीं, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, ये सब मैं एकदम चकाचक स्कोरिंग रहने का मेरा। तो मैं जाके स्कोरिंग करता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि स्कूल कोच ने मुझे बुलाया कि हम लोग टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहे थे क्वाड्रेंगल में, तो नरेन तामाणे सर के एल्डर ब्रदर थे कुमार तामाणे, जो जो कोच थे हमारे, तो उन्होंने मुझे कहा कि तू कल से आ जा प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने चालू किया क्रिकेट वैसे, और फिर 1-2 साल खेला स्कूल के लिए, फिर रेगुलर जाने का दादर यूनियन मैचेस स्कोरिंग करने। एक दिन गया तभी सिर्फ 10 प्लेयर थे, और मैच थी DPZ पे माटुंगा में, और जस्ट 10 प्लेयर जी थे, और मैं शायद 10 10 साल का था। और मेरे VS पाटिल सर ने बोला कि जा जल्दी भाग घर पे और तेरे क्रिकेट के कपड़े लेके आ, तू खेल रहा है आज। तो मैं भागा घर अच्छा पे, कपड़े वपड़े लेके आया, खेला वो मैच। एक्चुअली मिस्टर गावस्कर खेल रहे थे, ओके और हाँ, और हमारी पार्टनरशिप हुई 41 रन्स की, और मैं नंबर 8 या नंबर 9 पे गया था बैटिंग बैटिंग करने, और हम लोग ने मैच ड्रॉ की। और वो 41 रन्स की पार्टनरशिप में मेरा 1 रन था और उनके 40 रन्स थे। अच्छा तो वो वैसे मैंने एक्चुअली चालू किया खेलना। ओके तो मुझे मुंबई क्रिकेट के बारे में पूछना था, क्योंकि मेरा तो 90s का बर्थडे है मेरा, तो हाँ उसके पहले का जो भी था हमने सिर्फ सुना है कि ऐसा ऐसा क्रिकेट होता था, तो आप क्या कहना चाहोगे कि पहले का मुंबई क्रिकेट और अभी के क्रिकेट में डिफरेंस क्या है, और पहले ऐसा क्या स्पेशल था जो इतने खड़ूस प्लेयर्स थे? एक्चुअली इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था दोस्तों, कि अभी भी जो टीम है, जो टीम के लिए आप खेले हो बॉम्बे के लिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स रही है। ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं था। लेकिन IPL आने के बाद सब चेंज हो गया, माइंडसेट चेंज हो गया, लॉट ऑफ माइंडसेट चेंज हैपेंड। मुझे याद है कि मैं टाटास के लिए एक्चुअली टाइम शील्ड एज यू नो इज द स्टेपिंग स्टोन टू रणजी ट्रॉफी क्रिकेट। तो मेरे मैं जब भी स्कूल और कॉलेज में था तभी संग्रेस मफतलाल ने मुझे अडॉप्ट किया था। तो वो सब नाटकर्णी स्पोर्ट्स में जाके SG बैट लेना, ये वो सब सॉलिड हम लोग का चलने का तभी। तो मैंने क्या सोचा कि 1990 में पोद्दार में था मैं, तो मैंने सोचा कि अभी मेरा गेम ठीक ठाक है, मुझे पूछना चाहिए कि मैं टाइम शील्ड खेल सकूंगा क्या सनरेज के लिए। तो बिकॉज दे हैड सपोर्टेड मी, मैंने पहले उनको अप्रोच किया कि आपने मुझे सपोर्ट किया है। मुझे लगा कि उन लोग बोलेंगे हाँ यार तू आ जा टीम में आ जा ये, लेकिन 2 मिनट में उन लोग ने डायरेक्ट फुटा दिया मेरे को उधर से कि नहीं, हम लोग की बहुत स्ट्रांग टीम है, तेरे लिए जगह नहीं बनेगी टीम में, तो तू नेक्स्ट डे ट्राई कर। लेकिन मेरा अंदर से कुछ था कि नहीं, मैं ठीक ठाक खेल रहा हूँ, और मुझे बहुत हंगर थी ऐसे कि मैं आई शुड ट्राई टू प्ले अगेन समबडी बेटर देन मी, आई शुड ट्राई टू प्ले इन अ टीम वेयर एवरीबडी इज बेटर देन मी। तो तभी मिलिंद रेगे सर ने मुझे कहा कि नहीं, तू तू अच्छा है प्लेयर, तू आ जा टाटास के लिए खेल ले।
और मैंने नंबर 3 पे चालू किया टाटास के लिए खेलने. तो तभी साइड थी ओपनिंग बैट्समैन लालचंद राजपूत, शिशिर हथंगड़ी, 3 में 4 दिलीप वेंगसरकर, 5 रवि शास्त्री, 6 मिलिंद गुंजाल, 7 समीर दिघे, एबी कुरुवेला, राजू कुलकर्णी, साईराज, इंडिया का ही टीम हो गया पूरा स्ट्रॉन्ग साइड. उसमें मैं और साई न्यू कमर्स हम लोग ने साथ में डेब्यू किया. तो वैसे मैंने टाटास के लिए स्टार्ट किया खेलने. और फर्स्ट ईयर ही मैंने आई थिंक 3 या 4 लाइन में मैंने आई थिंक फर्स्ट मैच 96 किए, 6 मारने गया हिरवानी को और बाउंड्री लाइन पे आउट हुआ. और अंदर आके जो मुझे पड़ी है ना सबसे, मैं कभी भूलूंगा नहीं. तो उसके बाद मैंने 2 या 3 100 किए लाइन में और सडनली मुझे बॉम्बे टीम में लिया. फर्स्ट मैच में, डेब्यू मैच में भी मैंने 100 किया. और वैसे मेरा करियर शुरू हुआ एक्चुअली. लेकिन ये जो जर्नी था वो लालू सर, राजू कुलकर्णी सर, इन लोग ने बहुत हेल्प किया, बहुत बहुत ज्यादा. ये बड़े प्लेयर जो थे वो ज्यादा हमसे बात नहीं करने के, लेकिन लालू सर ऑलवेज मुझे आके बोलेंगे तू यार, तू लेफ्ट आर्म स्पिनर या स्पिनर को 1-2 ओवर में खत्म मत कर यार, उसको डालने दे और 15-20 ओवर थोड़ा अपना भी 100-150 रन आ जाएगा उसमें, तू थोड़ा सोच टीम के बारे में, सोच थोड़ा टैक्टिक सोच. तो तभी मुझे समझा रही कि ऐसा प्लानिंग ऐसे होता है हीरो गेम में. तो वैसे मेरी जर्नी थी एक्चुअली बॉम्बे के लिए, बॉम्बे टीम में आने के लिए. एंड देन बॉम्बे टीम में जब ही आया तो टू योर क्वेश्चन, सॉरी थोड़ा लंबा जवाब दे रहा हूँ, लेकिन टू योर क्वेश्चन की तभी माहौल कैसे था. तो हमारे जो सीनियर्स थे जो 1980s में जो खेले वो बहुत बड़े बड़े सब प्लेयर्स थे यार. और तो प्लेयर्स कौन कौन थे, लालू सर, शिशिर, राजू कुलकर्णी, सुरेश शेट्टी, रवि ठक्कर, रवि शास्त्री, वेंगसरकर, गावस्कर, चंद्रकांत पंडित, ये सब बड़े बड़े प्लेयर. और हम लोग जब ही 92 में एक पूरा शेकअप हुआ बॉम्बे टीम में कि सब यंगस्टर्स आ गए, तो ये टीम में एबी आया, 91 में एबी आया, 92 में साई, मैं, समीर दिघे और forget, 92 में हम लोग आए, 93 में अमोल, यू नो अमोल आया, नीलेश कुलकर्णी आया फिर 94 में. तो दो साल में पूरी टीम ना यंग टीम हो गई. और सचिन बहुत 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 हमें यू नो एनकरेज करता था कि यार यंग टीम है, कुछ तो यू नो नाम बनाएंगे बॉम्बे के लिए, नाम बनाएंगे. तो वही एक एक्चुअली हंगर थी एक, कि नहीं यार यंग टीम है, जीतना चाहिए यार, सब जीतना चाहिए. तो वैसे करके यू नो फिर सचिन था, तो ऑब्वियसली टाइट सिचुएशन में वो निकाल निकाल हम लोग को आउट ऑफ अ टाइट सिचुएशन. तो थोड़ा उसका बफर मिला. संजय मांजरेकर बहुत बड़ा प्लेयर था तभी और टेरिफिक प्लेयर. रवि शास्त्री एक साल आके, लास्ट ईयर ऑफ रवि शास्त्री करियर, पूरी यंग टीम को लेके रणजी ट्रॉफी जीत गए और बंगाल को बीट किया एट वानखेड़े स्टेडियम. बंगाल की टीम में अरुण लाल, साबा करीम, चेतन शर्मा, प्रशांत वैद्य, सौरव गांगुली, स्नेहाशीष गांगुली, सब लोग से. लेकिन हम लोग ने उनको भेजा घर पे फिर से बेसिकली. तो वैसे एक स्पिरिट सॉलिड डेवलप हुआ कि नहीं यार जो भी करना है वो टीम के लिए करना है, यू नो. और प्लेयर्स भी ऐसे थे यार, विनोद कामली भी जो फॉर्म में था, यू नो, और रणजी ट्रॉफी का तो किंग, यू नो, कौन से भी सिचुएशन में जस्ट 2-3 घंटे में 100 करके टीम को वो निकालने का भार स्पॉट में से. तो बैटिंग स्ट्रॉन्ग थी, बोलिंग सलील, एबी, पारस, नीलेश कुलकर्णी, साईराज, फिर रामजी आया बाद में, फिर अजीत आया. तो वो 90s का डेकेड जो था वो एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल टाइम्स वी हैड. कि टाइट मैचेस भी हम लोग को यू नो हम लोग को कैसे निकालना ये थोड़ा आइडिया आया था तभी. बट आई थिंक इसका ये जो टाइट नेट टीम थी उसका बहुत क्रेडिट सचिन को जाना चाहिए. मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जैसे सचिन का नाम नहीं ले रहा हूँ, आजकल फैशन है सब लोग
आइदर सचिन ने तो राहुल द्रविड़ का नाम लेते, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आई एम ऑनेस्टली सेइंग कि ये जो जो वो जो उसका जो पैशन है बॉम्बे क्रिकेट के लिए वो एक्चुअली प्रोबेबली बहुत कम जनों में है, यू नो. एंड आई थिंक दैट पैशन सॉ अस थ्रू मेनी मेनी टफ टाइम्स. आई रिमेम्बर व्हेन यूज्ड टू बी अब्रॉड आल्सो प्लेइंग फॉर इंडिया, सडनली लंच टाइम में फोन बजने का, जैट्स क्या हुआ स्कोर मैच का, और ये न्यूजीलैंड से कर रहा है किधर या साउथ अफ्रीका से कर रहा है, लेकिन मालूम है कि 12 बजे इधर लंच टाइम हुआ रहेगा, चलो एक दो जन का नंबर ट्राई करता हूँ, कोई तो मिल जाएगा फोन पे, यू नो. तो ऐसे वो एक जो पैशन थी ना वो एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है सक्सेस के लिए. नहीं एक्चुअली मैंने भी एक्सपीरियंस किया, जब मैं भी खेला सचिन तेंदुलकर के साथ, तभी क्या हुआ था उनके सब मैचेस, मतलब ऐसे नहीं कि वो रिटायरमेंट के टाइम में थे, और जो भी मैच खेल रहे थे उसमें 100% दे रहे, डाइव भी मार रहे थे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई इंडिया, नॉर्मली मैंने जितने देखे इंडिया प्लेयर आते रणजी ट्रॉफी में थोड़ा कुछ परफॉर्मेंस किया ठीक, नहीं किया तो नहीं किया, पर सचिन तेंदुलकर मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट मैं उनके 5 मैच खेला उसमें 300 तो मारे उन्होंने, तो और फील्डिंग में भी 100% देते थे, और जितना मुझे मालूम है कि हमेशा हम बाजे जितना भी बात करते थे मुझे भी मोटिवेट करते थे, मुझे बैट भी दिया था एक बार मैच में, मैंने 85 किया था तभी मुझे बैट भी दिया था, और एक मैच में वो नहीं थे, क्रुशियल मैच था वो मैच में मैंने 100 किए थे, और नेक्स्ट मैच लास्ट लीग मैच था उसमें मैं जल्दी आउट हो गया, तो मैं जब क्वार्टर फाइनल में आया था तभी मुझे जब पीछे से आए और मुझे शाबाश की थी, मुझे समझा नहीं क्यों किया ऐसा, मैं शाबाश मैं तो आउट हो गया जल्दी, तभी वो वसीम भाई बोला अरे उनको मालूम है तूने 100 मारा है वो मैच में, वो इम्पोर्टेंट मैच था, हम लोग कुछ 5-6 रन से मैच जीते थे, जहीर खान सब खेल रहे थे वो मैच, तो उनको सब पता रहता है, मैं जितना देखा है वो मुंबई के लिए जो लव है और पैशन है उनके पास वो बहुत बड़ी है, उनका लास्ट मैच भी था उसमें भी उन्होंने बोला था कि सोचो मत कि ये मेरा लास्ट मैच है, ऐसा करो कि जस्ट 100% दो, मेरे पे फोकस मत रखो, अपना जो मैच जीतना है वो इम्पोर्टेंट है, लाली का जो लास्ट मैच था उसमें तो बहुत मजा आया था वो मैच में भी. और आपको क्या लगता है अभी जो जनरेशन है, अभी सब स्टेट्स इम्प्रूव हो चुके, तभी नॉर्मली दिल्ली मुंबई या 3-4 टीम अच्छे थे, अभी सब टीम अच्छे हो रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है मुंबई टीम पे लैग कुछ कर रही है या फिर बाकी के टीम ज्यादा स्ट्रांग हो चुके? आई थिंक दोनों चीज है कौस्तुब. आई थिंक बाकी के टीम्स तो स्ट्रांग हो गए हैं, बिकॉज यू नो जितना आप क्रिकेट टीवी पे बताओगे उतना ज्यादा बच्चे खेलेंगे क्रिकेट, तो वो नंबर्स बढ़ेंगे, नंबर्स से नॉट ओनली क्वांटिटी बट क्वालिटी ऑल्सो बढ़ती है. बट आई फील कि लास्ट 2-3 साल में जितना हम अच्छा खेल सकते हैं उतना फॉर सम रीजन उतना वो परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, और ऐसे होता है कभी कभी, यू नो कि ऑन द ग्राउंड एज यू नो कौस्तुभ कोई आउट होने नहीं जाता है या कोई मार खाने नहीं जाता है, यू नो सब लोग ऑब्वियसली परफॉर्म करने ही जाते हैं, लेकिन लास्ट 2-3 सीजन्स में ऐसे हो रहा है कि अपना कोई रिदम नहीं आ रहा है, यू नो टीम का रिदम नहीं आ रहा है. बट आई थिंक मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि श्रेयस है या सूर्या है, अभी पृथ्वी कर रहा है, यू नो ये तीनों में से ऑलवेज एक ट्रेडिशन रही है बॉम्बे की कि जो एक बड़ा इंडिया का प्लेयर होता है बॉम्बे टीम से वो इंडिया के लिए भी करता है और बॉम्बे को भी आगे लेके जाता है, यू नो. तो और ये पहले से ट्रेडिशन है, गावस्कर सर के टाइम से, गावस्कर सर थे, फिर दिलीप वेंगसरकर थे, फिर संजय, फिर सचिन, फिर रोहित आया, तो ये जो तीन इंडिया के बड़े, ये जो इंडिया मट्टी, पृथ्वी और श्रेयस तो खेल रहे हैं इंडिया के लिए, लेकिन सूर्या भी टेरिफिक प्लेयर है, तो ये जो तीन टॉप प्लेयर इनमें से कोई तो लेके जाएगा मुंबई को आगे, ऐसे मुझे बहुत अंदर से फीलिंग है, और मैं बहुत कीनली वॉच कर रहा हूँ कि कौन, हु इज गोइंग टू स्टैंड अप एंड टेक द टीम फॉरवर्ड बेसिकली. राइट राइट. तो अभी जो भी इंडियन प्लेयर्स का नाम नहीं लूंगा, जो यंगस्टर्स है जैसे तुषार देशपांडे और शम्स मुलानी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, तुषार ऑब्वियसली एज वी ऑल नो कि एटीट्यूड इज टेरिफिक, एक नंबर का टीम मैन है, यू नो थोड़ी और शायद जस्ट ऑनेस्टली बोलूंगा तो मे बी थोड़ा पेस के साथ थोड़ा मूवमेंट भी होगा तो बहुत फर्क पड़ेगा. आई थिंक इंजरीज ऑल्सो 2-3 साल से थोड़ा बैड लक उसका चल रहा है, एंकल का प्रॉब्लम हुआ, एक पूरा साल बाहर था वो उसके लिए, दो साल पहले दो साल पहले
But Tushar obviously is promising. I think even Shams, अभी इंडिया में तो इंडियन टीम को ऑलराउंडर की जरूरत है ही, और ये व्हाइट बॉल क्रिकेट इतना खेला जाता है कि ऑलराउंडर अगर आपके पास होगा तो ढाई प्लेयर हो जाते हैं एक प्लेयर में. तो ऑलराउंडर तो ऑब्वियसली इज नीडेड, प्लस लेफ्ट आर्म स्पिन एंड लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन. बट अगेन मैं फिर से मेरे प्रीवियस पॉइंट पे आऊंगा कि ये सब प्लेयर्स जो यू नो देयर एंड देयर अबाउट्स है, यू नो जो नेक्स्ट ईयर दे मस्ट बी लुकिंग फॉरवर्ड टू कि मैं जाके बॉम्बे के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करूँ, ये उनके परफॉर्मेंसेस से मुंबई को कितने मैचेस जिताते हैं ना, कौस्तुभ, उसका भी बहुत मायने रखता है कि कौस्तुभ ने जाके 300 किए लेकिन 200 के वजह से ना दो मैचेस जिता के दिए यार. तो वो ऑलवेज सबके जहन में रहता है कि नहीं यार कौस्तुभ ऐसा प्लेयर है जो जाके रन करेगा लेकिन टीम को लेके जाएगा आगे, यू नो. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है एक प्लेयर के जब भी आप असेस करते हो या व्हाटएवर, एक यू नो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है. राइट, मतलब आपके सिलेक्शन, मतलब अगर दो प्लेयर्स है दोनों ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस कर रहे हैं पर एक जो ज्यादा मैच जिता सकता है, जो टीम को आगे लेके जाता है, उसको आप चूज करते हो. या और मैं ये इंडियन सिलेक्शन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये सब अंडर 15 से लेके हर कोई सिलेक्टर ऐसे ही जज करेगा बिकॉज वो जाके सिलेक्टर मैच देखता है पूरी, तो वो सिचुएशन देखता है कि फंसा हुआ सिचुएशन है, कौन टीम को निकाल रहा है बाहर, और वो जो परफॉर्मेंसेस है वो ऑलवेज माइंड में ज्यादा रहते हैं. तो डेफिनेटली इस पे फर्क पड़ता है. ओके, तो आप अभी मुझे खेलो मोर के बारे में बताओ जरा, मतलब सब लोग को, बहुत लोग को पता रहेगा खेलो मोर सर का कंपनी है जो हर एक स्पोर्ट्स के लिए कोचिंग से लेकर स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देते हैं, टूर्नामेंट्स रखते हैं, तो थोड़ा उनके बारे में बताइए प्लीज. मैं एक्चुअली नाइकी के लिए काम, मैंने 10-11 साल नाइकी के लिए काम किया और मैं स्पोर्ट्स मार्केटिंग का हेड था नाइकी के लिए. 3 साल मैंने यूरोप फुटबॉल में निकाले, ये सब जो हम फुटबॉलर्स देखते हैं आज टीवी पे, मैंने सबके साथ काम किया है नजदीक से. लेकिन मैंने क्या डिसाइड किया कि मेरा जो एक्सपीरियंस है 10-12 साल का नाइकी का, वो मैं इंडियन स्पोर्ट के लिए यूज करूंगा. तो मैंने पूरा एक डिविएशन, नाइकी वाले तो थक रह गए कि ये क्या कर क्या रहा है यार, इसको तो हमें ले जाना है अमेरिका, लिए बोल रहे नहीं मैं जाऊंगा इंडिया, जॉब छोड़ रहा हूँ इंडिया जाऊंगा. तो मेरा एक बहुत पैशन है लाइफ में कि मेरे पिताजी भी कोच रहे हैं, तो मैंने देखा है कि कोच की लाइफ इतनी टफ रहती है, यू नो. तो मेरा एक पैशन है कि इंडियन स्पोर्ट अगर स्ट्रांग बनाना है तो कोचेस को स्ट्रांग बनाना है, यू नो. ये जो सप्लाई साइड है अपनी कोचेस की, वो स्ट्रांग बनानी है. और कोचेस को स्ट्रांग बनाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि कोचेस का कैसे रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए कोचेस का, यू नो. कि कौस्तुभ पवार क्रिकेट अकेडमी में समझो 100 प्लेयर्स की जगह है, तो कौस्तुभ के पास सिर्फ 50 प्लेयर क्यों आ रहे हैं, 100 प्लेयर क्यों नहीं आ रहे. तो राइट फ्रॉम क्रिकेट कोचेस टू मलखाम कोचेस टू एथलेटिक्स कोचेस टू फेंसिंग बास्केटबॉल फुटबॉल जो भी बोलो, उनको हम एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म देते हैं. ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है khelomore.com, वो उस पर आपको 1,500 से ज्यादा कोचेस मिलेंगे ऑल अक्रॉस स्पोर्ट्स. आपको 500 से ज्यादा फुटबॉल टर्फ्स मिलेंगे बुक करने के लिए. बॉम्बे में ही 100-150 टर्फ है हमारे पास. तो ये एक प्लेटफॉर्म है कि आपको कोचेस के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है और उनके बैचेस आप बुक करके पे करके वो पैसा कोचेस को जाता है और हमें एक छोटा कमीशन मिलता है उसके बारे में, यू नो, उसके लिए. तो एक सिंपल बुक माई शो जैसा मॉडल है स्पोर्ट्स के लिए. और मेरा पैशन है कि 10,000 कोचेस को थ्रू खेलो मोर कैसे फायदा हो सके, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं बेसिकली. ओके, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. अभी फिलहाल सबको पता है कि जो भी अभी सुशांत सिंह राजपूत का जो स्टोरी है, तो उसमें सब लोग बात कर रहे हैं डिप्रेशन के बारे में. तो आपको क्या लगता है कि हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन, ओवरकम कैसा करना चाहिए? एक्चुअली यू नो इट इज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है कौस्तुभ, एंड इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग.
बिकॉज ये जो चीज है वो बहुत जनों को अफेक्ट कर रही है, लेकिन ऑलवेज अगर अगर मुझे भी लगता होगा कि यार मुझे कभी कभी डिप्रेस लगता है, या मुझे ऑलवेज मैं एक झिझक रहती है मन में कि मैं बोलूं क्या किसको, यू नो, अगर मैंने कुछ कहा तो मुझे वीक तो नहीं समझेंगे इन लोग, यू नो, मुझे ऐसे तो नहीं सोचेंगे कि क्या यार इसको, यू नो, गट्स ही नहीं है, ये ब्रेव नहीं है, या जो भी है वो, मुझे वैसा तो नहीं सोचेंगे. तो एक स्टिग्मा अटैच्ड है इसके लिए, और ये बिल्कुल गलत बात है. एक्चुअली खेलोमोर पे भी हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी है हमारे साथ. अच्छा. जो 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 आप उनको बुक करके, यू नो, यू कैन टॉक ओवर थिंग्स टू देम. अभी हम लोग एक हेल्पलाइन भी लॉन्च करेंगे खेलोमोर के तरफ से, कि फ्री होगा, कि आपको अगर स्पोर्ट्समैन को कुछ थॉट्स ऐसे आते हैं तो ये टोल फ्री नंबर डायल करो, पूरा कॉन्फिडेंशियल होगा, और फोन के दूसरे साइड पे कोई तो आपको एक एक्सपर्ट है जो हेल्प करेगा, यू नो. और इसमें स्पोर्ट्समैन का लाइफ ही बहुत लोनली रहता है दोस्तों, आपने तो एक्सपीरियंस किया है कि यू आर लिविंग आउट ऑफ अ सूटकेस, राइट. मुझे याद है कि मैं 12-13 साल का था, तब से मैं अंडर 15 के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, यू नो. आप कहाँ तो बीच में हो, त्रिवेंद्रम में, या यू नो अगरतला में, 10-12 दिन, यू नो, उधर 3:30 बजे अंधेरा हो रहा है, यू नो, क्या क्या करोगे क्या. तो ये लाइफ टफ रहता है एक्चुअली स्पोर्ट्समैन के लिए, लेकिन जितना आप शेयर कर सकते हो, और अगर आपके पास कोई है शेयर करने के लिए, तो बहुत फर्क पड़ता है. प्लस दी अदर थिंग इज, जब भी आपका गेम खत्म होता है, यू नो, अभी जब भी आप रिटायरमेंट लेते हो, या अभी बोलते हो कि नहीं अभी मैं बॉम्बे के लिए नहीं खेलूंगा, आपके लाइफ में एक डिप आता है. वो हर स्पोर्ट्समैन के लाइफ में वो डिप आता है, यू नो, बिकॉज कौस्तुभ पवार एज बॉम्बे प्लेयर एंड कौस्तुभ पवार एज नॉट बॉम्बे प्लेयर, इसमें बहुत आपको भी पता चलता है कि यार मेरे सच में दोस्त कौन है कौन नहीं है, यू नो. तो वो भी एक एक फीलिंग आती है. तो उसके साथ भी कैसे कॉम्बैट करना है इसको, कैसे खुद को, यू नो, कन्विंस करके, हाउ टू थिंक फॉर योरसेल्फ. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ द जो जो एक्सपर्ट्स रहते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, दे हेल्प यू थिंक फॉर योरसेल्फ, यू नो, लाइक ऑल द बेस्ट कोचेज ऑल्सो यू वुड हैव वर्क विद कौस्तुभ, दे हेल्प यू थिंक अबाउट योर गेम, यू नो. आई थिंक हियर एज वेल दीज एक्सपर्ट्स हेल्प यू थिंक अबाउट हाउ यू कैन अप्रोच अ सर्टन चैलेंज. सो आई थिंक दिस थिंकिंग फॉर योर सेल्फ इज ऑल्सो, ये बहुत बड़ी चीज है जो इंडिया में ज्यादा सिखाई नहीं जाती, यू नो. स्कूल में हम बोलते हैं कि यार कल बायोलॉजी का पेपर है, रट्टा मारो 30-40 पेज, और यू नो 20 पे 18 तो मिल जाएंगे, लेकिन कोई कोई एनालिटिकल व्यू से देखता नहीं कि मैं क्या क्या पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा फाउंडेशन कैसे मैं बढ़ाऊ इसमें. तो आई थिंक स्कूलिंग ऑल्सो प्लेज अ लॉट ऑफ रोल, पेरेंटल प्रेशर कभी कभी प्लेज अ लॉट ऑफ रोल, कि घर पे अगर माहौल हो कि ठीक है यार आउट हुआ तो डोंट वरी यार कोई फर्क नहीं है, ऐसा अगर होगा तो और ओपन होता है बंदा. तो 3-4 फैक्टर्स आर देयर, बट आई थिंक फॉर एनीबडी हू इज गोइंग थ्रू दिस, डोंट बी स्केर्ड, डोंट बी शाय अबाउट पिकिंग अप द फोन एंड आस्किंग फॉर हेल्प, यू नो. आई थिंक एक ये एग्जाम्पल से एक मुझे बहुत बड़ा पॉइंट है कि यार फोन उठाओ और बात करो कि यार मैं आई एम गोइंग थ्रू दिस, कैन यू हेल्प मी आउट, यू नो. एक्चुअली आज ही मैंने एक वीडियो बनाया, आपको पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके लिए मैंने आज ही सबको पूछा था कि इसके डिप्रेशन के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊं क्या, तो बहुत लोगों ने मुझे कहा था कि वीडियो बनाऊं करके. तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, मतलब मेरा जो भी बचपन से लेकर अभी तक मैं ट्रैवलिंग हमेशा करता था, यूके में भी रहता था, और नॉट ओनली कि सिर्फ स्पोर्ट्समैन के लिए, जो भी नॉर्मल जो भी बच्चा रहता है स्कूल में रैगिंग होती है, जिस सिचुएशन में आदमी डिप्रेशन में जा सकता है, उसके होल रिगार्डिंग में मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आज मैं वो पोस्ट करने वाला, आपको भी देखा तो कैसा है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बता दो, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस, मैंने देखा है सामने वालों को भी, और मेरा भी उसमें थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस है. एब्सोल्युटली गुड गुड. आपका रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल जो आप जब यंग, मोस्टली जब यंग रहोगे तो कोई तो रोल मॉडल रहेगा आपका. मेरा तो मैं जब क्रिकेट खेल रहा था तभी एलन बॉर्डर मेरा बहुत बड़ा रोल मॉडल था. एलन बॉर्डर बिकॉज मैंने मुझे याद है कि वो विजडन की बुक्स आने की एवरी ईयर एवरी सीजन की, तो मैंने एक उसमें पढ़ा था कि एलन बॉर्डर ने
बाबेडॉस में जो वर्ल्ड की फास्टेस्ट विकेट थी तभी, फर्स्ट इनिंग 96 नॉट आउट, सेकंड इनिंग 100 नॉट आउट, और अटैक वाज एम्ब्रोस, वॉल्श, पैटरसन, बिशप, यू नो ऐसा कुछ, आई थिंक बिशप नहीं था उसके पहले कोई था, मैल्कम मार्शल. और मैंने बोला यार ये तो ठीक ठाक है यार ये बंदा. तो मैं एक्चुअली एलन बॉर्डर का बहुत बड़ा फैन था, और एक्चुअली स्कूल में जब भी था मैं तभी जीतू ठाकरे का बहुत बड़ा फैन था मैं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, तो मैं उनकी बहुत कॉपी करने का मैं बैटिंग के टाइम. तो और फिर बिजनेस में आया तभी यू नो ऑब्वियसली जेफ बेजोस, अमेज़न के जेफ बेजोस जो है उनका फैन हूँ मैं. स्टीव जॉब्स, एप्पल, मैं तो अभी तो लास्ट 10-12 साल से मेरा पूरा रीडिंग भी है जो कंप्लीट बिजनेस का ही रीडिंग हो गया है. यू नो शायद ही मैंने कुछ अलग रीड किया हो, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ एलन बॉर्डर मेरे बहुत बड़े आइडल थे एक्चुअली. ओके. और फिर साथ में पुद्दर के मैं डॉन बॉस्को और पुद्दर, रवि शास्त्री भी डॉन बॉस्को और पुद्दर, तो जब भी उनके साथ खेलने लगा और एक साल रवि और मैंने पूरा सीजन बॉम्बे के लिए ओपन किया यू नो, तो वो बहुत मजा आया एक्चुअली. एक एक सॉलिड इंसिडेंट्स है. तो उनके साथ खेल खेल के मैंने सोचा यार ये खेलना है तो ऐसे खेलना है यू नो, जिगर जिगर से खेलना है. तो रवि रवि को भी हम लोग बहुत फॉलो करने के सब जो प्लेयर्स थे बॉम्बे टीम में. राइट. आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा है? आई थिंक एवरी रणजी ट्रॉफी विनिंग मोमेंट बेस्ट मोमेंट आई थिंक, लेकिन एक मोमेंट जो कभी नहीं जाएगा वो 1994-1993 जब 10 साल के बाद कुछ तो जीते थे. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. जब रवि के अंडर जीते थे तभी आई रिमेम्बर चेतन शर्मा ने जस्ट न्यू बॉल लिया था और जस्ट बाउंसर्स डाल रहा था, और मैंने सोचा यार कि चेतन शर्मा, तू चेतन शर्मा रहेगा या कोई और रहेगा, तू तो जाने वाला है आज. तो मैंने जस्ट पूरा आई वाज 3-4 बॉल में यू नो वी नीडेड सम 18 टू विन, आई थिंक 4 बॉल में हम लोग ने किए. तो वो मोमेंट कभी नहीं जाएगा. द फर्स्ट टाइम आई वॉक्ड आउट एंड टुक गार्ड फॉर इंडिया ऑल्सो, I'll never forget that moment. Those were the two sporting moments. Then obviously, you know, becoming a father is something I will not forget as a personal moment as well. Okay. और वो शेन वॉन को आपने सिक्स मारा था, उसके बारे में बताइए जरा. वो यार शेन वॉन तो वो हम लोग एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच थी और जस्ट हो गया यार, जैसे होता है वैसे यू नो. बट ग्रेट बॉलर, वो बहुत अच्छी मैच हुई, हम लोग ने फर्स्ट इनिंग लीड लिया बॉम्बे ने. बट टेरिफिक बॉलर, एब्सोल्युटली अटैकिंग बॉलर यू नो. ही जब भी वो बॉल के बाद नेक्स्ट 3 बॉल तो उसने एवरी बॉल ज्यादा फ्लाइट किया नेक्स्ट 3 बॉल में यू नो. हाँ, तो बहुत गट्सी बॉलर है, मेरा अच्छा दोस्त भी है. तो एकदम सॉलिड आदमी है, एकदम बड़े दिल वाला बंदा है. ओके ओके. तो व्यूअर्स को किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? थोड़ा बगुया तक है. स्पोर्ट्स ब्लॉक, एनी थॉट्स ऑन फिजिकल एजुकेशन करिकुलम इन स्कूल्स? आई थिंक ये अभी कंपल्सरी होने वाला है. एवरी डे देर इज गोइंग टू बी 45 मिनट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन जो CBSE ने अभी अप्रूव किया है. और वो 45 मिनट्स के आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे, तो वो उसके आपके रिपोर्ट कार्ड में आएंगे. तो वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया में कि आपको स्पोर्ट्स भी ठीक ठाक खेलना पड़ेगा बिकॉज वो मार्क्स दिए जाएंगे उसके. तो उसके बारे में होगा शायद वो क्वेश्चन. एक्चुअली अच्छा है, मतलब सब लोग थोड़ा फिटनेस में घुस जाएंगे, नहीं तो नॉर्मली कोई स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि हमारे जो भी पुराने जमाने के पेरेंट्स है नॉर्मली लड़कियों को भेजते नहीं है. अभी वो ट्रेंड चालू हो गया.
2000 के बाद धीरे धीरे लड़कियां भी चालू हो गई, स्पोर्ट्स भी अच्छा खेलने लगी, यस तो ये अच्छा है। यस यस ये जो डू खेलो। यू रिमेम्बर बामसर फ्रॉम नासिक, एक एक हाँ क्वेश्चन था. तो बामसर, तो ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर बामसर, आई रिमेम्बर हिम एवरी डे. ही इफ देयर वाज वन गुरु फॉर मी इन माय लाइफ इट वाज बामसर. सैडली ही इज नो मोर नाउ, बट ही यूज्ड टू बी, बिकॉज़ टू बी ही वर्क विद मी अ लॉट. ही वाज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ओ एक्चुअली. राइट 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 यस, बाम सर राइट राइट तो मेरे साथ बहुत काम किया उन्होंने. मुझे याद है कि मैं गौरव नाटेकर, मेरा एकदम क्लोज फ्रेंड है, टेनिस प्लेयर, तो गौरव ने बोला था कि तू जाके मिल उनको. और तभी मेरे रन्स वन्स नहीं हो रहे थे कुछ बॉम्बे के लिए, तो मैं थोड़ा ऐसे लो फ्रेम ऑफ माइंड में था. तो मुझे याद है हिंदू कॉलोनी में ही रहते, मैं गया उनके घर पे और उन्होंने दरवाजा खोला और बोला, उन्होंने मुझे बोला कि बॉम्बे का नंबर 3 का बैट्समैन मेरे घर पे आया आज मिलने, यू नो मैं आई एम सो लकी. तो मैंने बोला मेरा काम उधर ही हो गया था. मेरे कॉन्फिडेंस वाला काम उधर ही हो गया था पूरा. मैंने सोचा चलो अभी जाता हूँ घर पे, काम हो गया, यू नो. लेकिन ऑलवेज मुझे एडवाइस, यू नो, मैं उनके पास रेगुलर लाइफ की एडवाइस हो या यू नो कहाँ कोई डिसीजन लेना हो तो थोड़ा, तो उनका जो बुक है एक द विनिंग माइंडसेट करके, मेरे पास ओके बहुत कॉपीज है उनकी, मैंने बल्क में लिया था. मैं सबको देते रहता हूँ वो बुक, बिकॉज वो बहुत ही बढ़िया बुक है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के लिए. तो अगर कोई सुनते होगा तो अमेजोन पे वो अवेलेबल है, वो जाके ले लो. इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यू कैन एवर हैव. यस, सो बामसर एकदम मेरे गुरु जैसे. बामसर, आई थिंक मैं अंडर 17 या 19 था वो टाइम, वो मुंबई में आए थे, एक सेशन करेक्ट हुआ था, चंदू करेक्ट सर डायरेक्टर थे बीकेसी में, तभी आए थे। करेक्ट 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 ओके, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाउ डिड योर जर्नी एज अ सिलेक्टर बिगिन? तो ये बीसीसीआई के एक्चुअली इंटरव्यूज थे सिलेक्शन सिलेक्टर्स के लिए, और मुझे बोला गया कि यार ऐसे ऐसे इंटरव्यूज है तू आ जा. तो मैंने बोला ठीक है, जस्ट मैंने ऐसे टाइम पास के लिए अप्लाई किया था कि सब दोस्त भी थे उधर, हम लोग सब एक्स क्रिकेटर्स थे, तो मुझे कभी लगा नहीं था कि अपॉइंट करेंगे. बट आई थिंक जो 10 साल, 10-11 साल जो मैंने नाइकी में निकाले, उसमें से एक बहुत बड़ी, अ बिग पार्ट ऑफ दैट जॉब वाज टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, यू नो. ओके okay. सो फॉर हाँ एग्जांपल स्पॉन्सर माय स्पॉन्सर के लिए राइट राइट करेक्ट सो फॉर एग्जांपल माय फर्स्ट साइनिंग वाज विराट कोहली व्हेन ही वाज 16, फॉर अच्छा एग्जांपल, यू नो. सो यू हैड टू बिल्ड अप अ फुल roster of players. So I think somewhere they must have seen that he has done this in a very formal corporate setup. Yes, so that's how it started. And then you know I love watching cricket. You know you आप मुझे न्यूइन पे बिठा दो तो मैं आराम से 2 दिन बैठ के मैच देखूंगा पूरा. ये अंदर से मुझे बहुत अच्छा लगता है. हर क्रिकेटर को नहीं लगता. कोई कोई बोलता है यार मैं नहीं देख पाऊंगा, कोई बोलता है मेरे जैसा, हाँ 5 दिन की मैच ला, आराम से मैं बैठ के कुर्सी पे देखते रहूंगा. तो मुझे क्रिकेट देखना अच्छा लगता है. और या सो वो इंटरव्यूज के थ्रू सिलेक्शन हुआ उसका. ओके, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपको, मतलब मैंने देखा कि आप फर्स्ट क्लास समथिंग 63 खेले, तो उसका रीजन क्या था? आपको इंजरी कुछ हुआ था? नहीं, तभी एक्चुअली कैसे था ना कौस्तुभ की तभी फॉर्मेट अलग था. यू यूज्ड टू प्ले 4 लीग मैचेस एंड देन यू वेंट इनटू क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल. तो आपका सीजन ओके 8 मैच का था. वो एक है. सेकंड इज, तीन फैक्टर है इसके लिए. एक तो सीजन छोटा था. सेकंड सेकंड है कि बॉम्बे की टीम इतनी स्ट्रांग थी कि हाँ मुझे याद है मैंने रणजी ट्रॉफी फाइनल में 100 किया था. सीजन के पहले मैच ईरानी ट्रॉफी में 100 किया था. वो मैच के बाद, एक हफ्ते के बाद रणजी ट्रॉफी शुरू हुई और मैं 12th मैन था.
बिकॉज सचिन आ गया, संजय आ गया, विनोद कामली आ गया, तो वो पूरा सीजन में 12th मैन था. तो लिंबू पानी का गाड़ी चालू किया था मैंने, नया ब्रांड सभी चालू करना चाहिए था एक्चुअली. तो वो एक दूसरा फैक्टर है कि यू प्लेड इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, सो समटाइम्स यू कुडंट मेक द 11. एंड द थर्ड फैक्टर इज दैट यू नो व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर बॉम्बे, दुलीप ट्रॉफी का सिलेक्शन भी बहुत टफ रहता है बिकॉज आपके 11 ही इतने स्ट्रॉन्ग है, उसमें से 5-6 जन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहे हैं, तो एक सातवां बॉम्बे से लेने के लिए बहुत टफ था. तो मैंने दुलीप ट्रॉफी गेम्स भी बहुत कम खेले इसके लिए. 10 साल मैंने खेला, 10-11 साल बॉम्बे के लिए, लेकिन ओनली 63 मैचेस. सो दीस थ्री रीजंस बेसिकली. राइट, मतलब अभी के जो भी लड़के हैं वो बहुत लकी है कि उनको 7-8 लीग मैचेस मिलते हैं प्लस नॉकआउट. लकी वालों में मेरे फिटनेस के साथ आई डोंट थिंक आई वुड हैव लास्टेड. अच्छा ओके. तो आपको क्या मैसेज देना यंगस्टर्स के लिए? कुछ नहीं, एंजॉय द गेम एंड प्ले फॉर द टीम ऑलवेज, एंड डोंट एवर फॉरगेट दैट यू आर प्लेइंग द गेम बिकॉज़ यू एंजॉय इट. और कुछ मैसेज नहीं है. ऑल द बेस्ट प्लेयर्स, ऑल द टॉप मोस्ट प्लेयर्स, इट कुड बी माइकल जॉर्डन और सचिन तेंदुलकर और रॉजर फेडरर, दे प्ले बिकॉज दे एंजॉय द गेम. दे डोंट प्ले फॉर द मनी, दे प्ले फॉर द एंजॉयमेंट. So as long as your enjoyment is intact, you're in a good space. Okay, thank you Jatin sir for coming live. Pleasure. Hope aapko maza aaya rahega, viewers ko bhi maza aaya rahega. No problem. And stay in touch. Yeah, obviously. Okay, thank you. Take care. Bye. Bye. Bye.